नवाज शरीफ की जानिब से ये हदायत सामने आई हैं। कौम को लोड शेडिंग से निजात दिलाने की फिक्र मुझसे ज्यादा किसी होगी, ये कहा गया वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से, और अपनी हुकूमत में लोड शेडिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिश है, कौम से किए गए वादे पूरे करने में कोई रुकावट नहीं आने देंगे, ये कहा गया वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से। और उन्होंने मजीद कहा कि कौम से किए गए वादे हर सूरत पूरे करेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज सरदार हमीद से। सरदार हमीद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी लुकमान, वजीर आजम या मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज मुजफ्फराबाद का दौरा किया और नीलम जेलम हाइडल प्रोजेक्ट का खासतौर पर विजिट किया और उन्होंने काम की रफ्तार का मंसूबे पर जो इस वक्त काम जारी है उसकी रफ्तार का जायजा लिया। इस हवाले से वाबता हुकाम की जानिब से वजीर आजम को तफसीली तौर पर मंसूबे के बारे में ब्रीफिंग दी गई और वजीर आजम ने इस मौका पर उन्हें हदायत जारी की कि मंसूबे को बर वक्त मुकम्मल किया जाए और हुकूमत की कोशिश यह है कि जो लोड शेडिंग का अजार है लोगों पर उसको मुकम्मल खात्मा किया जाएगा और अपनी हुकूमत के खात्मे अपनी हुकूमत की मुदत पूरी होने तक जो है पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा जो है वो यकीनी बनाया जाएगा और जो भी वादे अवाम से किए गए हैं मुस्लिम लीग जोन की हुकूमत ने वो हर सूरत पूरे करेंगे और उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता कि लोड शेडिंग जो है वो कैसे खत्म की जाएगी और उसका जितना दर्द या जितनी तकलीफ का एहसास उन्हें है उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता वो, और उनका पूरा फोकस जो है इस वक्त यही है कि मुल्क को क्राइसिस से बाहर निकाला जाए और लोड शेडिंग के जो वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि मंसूबे में पेशरफ्त के हवाले से उनको ब्रीफिंग दी गई और मंसूबे की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने की हदायत दी गई वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से। और